महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ एक और एक ऐसी बात बोल दी है जिससे समीर वानखेड़े की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हुआ ये कि एक गुमनाम चिट्ठी कही जा रही है और उस चिट्ठी में ये बताया जा रहा है कि कई सारी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसमें ये साबित होता है कि समीर वानखेड़े किस तरह से जो सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के स्टार्स हैं, अमीर लोग हैं, उनको फंसाने का काम करते हैं। आगे मैं आपको बताऊं कि आखिर इस गुमनाम चिट्ठी में क्या लिखा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चिट्ठी की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इस चिट्ठी को बता इसलिए रहे हैं और दिखा इसलिए रहे हैं कि इसको लेकर अब मामला और ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, विवादों में घिरता जा रहा है और समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्योंकि नवाब मलिक ने कहा है, एक तो पहले उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र की फर्जीवाड़े की बात कही उसको लेकर उन्होंने पहले कहा कि वो जैसे ही साबित हो जाता है तो उनको अपनी सैलरी जितनी अभी तक उन्होंने ली है सब वापस करनी होगी, पेंशन उनकी रुक जाएगी और जो भी केस आगे होगा। लेकिन इसमें ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इसमें भी जांच की जाएगी जिससे ये साबित हो पाए कि आखिर ऐसे कौन से बहुत ऑनेस्ट लोग हैं जिनको दरकिनार किया जा रहा है, जिनके ऊपर ये सांठगांठ करके, दिल्ली से सांठगांठ करके ये कई लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं और मासूमों को फंसाते हैं। और आप सुनिएगा ये, और इसको गौर से सुनिएगा कि अगर ये सच है तो ये बेहद चौंकाने वाला ही नहीं, ये बहुत डरावना है। क्योंकि कभी भी किसी के पास भी, इनके पास अथॉरिटी है, ये कुछ भी प्लांट कर सकते हैं, किसी के घर में भी जाते हैं, किसी को कहीं से भी पकड़ते हैं, कुछ भी सामान को कभी भी बदल देते हैं और उसके बाद आप तो उसको चेक नहीं कर पाएंगे, कोई भी उसको चेक नहीं कर पाएगा। सिर्फ खबर ये आती है कि उनके पास इतना इतना ये माल पकड़ा गया है, लेकिन आखिर वो था क्या और उसको वो कितनी क्वांटिटी में था भी या फिर वो था भी कि नहीं था, ये तो किसी को भी नहीं पता। और उसके बाद क्या आगे उगाही की जाती है, तो ये देखिए उन्होंने जो शुरुआत की है इस पूरे केस की, जो कि केस नंबर 94/2021 है, इसमें कॉर्डेलिया क्रूज पर जो केस किया है, ये मैं आपको पूरा गुमनाम चिट्ठी का पूरा जो टेक्स्ट है वो आपको बता रही हूँ, गौर से सुनिएगा। कॉर्डेलिया क्रूज पर जो केस किया है उसमें सभी पंचनामे एनसीबी मुंबई के ऑफिस में लिखे गए हैं और बीजेपी के इशारे पर उनके दो कार्यकर्ताओं ने समीर वानखेड़े के साथ मिलीभगत से प्लांट करके किया है। तो ये उस चिट्ठी में लिखा गया है जिसने भी भेजी है। क्रूज पर एनसीबी के कर्मचारी सुपरिटेंडेंट श्री विश्व विजय सिंह, आईओज जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, आशीष रंजन, किरण बाबू, विश्वनाथ तिवारी व जूनियर आईओ सुधाकर शिंदे, ओटीसी कदम, सिपाही रेड्डी, पीडी मोरे व विष्णु मीना, ड्राइवर अनिल माने और समीर का निजी सचिव शरद कुमार व अन्य कर्मचारी अपने सामान में छिपाकर गए थे और मौका पाकर लोगों के निजी सामान में रखा। ये बड़ा आरोप है और कई सारे लोगों के बाकायदा नाम इसमें लिखे गए हैं। समीर वानखेड़े को सर्च या ऑपरेशन के दौरान कोई बॉलीवुड या मॉडल या सेलिब्रिटी मिलना चाहिए तो वह उसे जबरदस्ती ड्रग अपने पास रखकर केस बना देता है। इस मामले में भी यही हुआ। समीर पिछले एक माह से बीजेपी के दोनों कार्यकर्ताओं केपी गोसावी, जिसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, साथ ही मनीष भानुशाली भी, इनसे संपर्क में है और क्रूज से जितने भी आदमी पकड़े गए थे उन्हें एनसीबी ऑफिस लाया गया व सारे पंचनामे एनसीबी के ऑफिस में बैठ कर बनाए गए। परंतु ऋषभ सचदेव, प्रतीक गाबा व अमीर फर्नीचर वाला को उसी रात दिल्ली से फोन आने पर छोड़ा गया। इस मामले में समीर वानखेड़े की फोन कॉल डिटेल चेक की जा सकती है, उस चिट्ठी में ये लिखा है। साथ ही अब रिया वाले केस पर आते हैं, उसके बारे में इस चिट्ठी में जिक्र ये किया गया है कि समीर वानखेड़े ने दिनेश चव्हाण को करण अरोड़ा, जैद और अब्बास लखानी की कन्फेशनल स्टेटमेंट में रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा आदि के नाम लिखने को कहा, जिस पर श्री दिनेश चव्हाण सुपरिटेंडेंट ऑपरेशंस ने साफ साफ मना कर दिया। तब से समीर ने दिनेश चव्हाण को ऑपरेशंस के कार्यभार से ही मुक्त कर दिया व श्री विश्व विजय सिंह को ऑपरेशंस का जिम्मा सौंपा व तब से लेकर आज तक विश्व विजय सिंह समीर वानखेड़े के हाथों की कठपुतली है। वो दोनों ने मिलकर एनडीपीएस की धारा 27A का दुरुपयोग किया और बेकसूर लोगों को फंसाया। जैसा समीर कहता है विश्व विजय वैसा ही करता है। इसके बदले में समीर वानखेड़े विश्व विजय सिंह के खिलाफ एनसीबी कार्यालय में प्राप्त कंप्लेंट्स, जो कि लोगों के घरों से तलाशी के दौरान लाखों रुपए और सोने के गहनों की लूट के बारे में होती है, को झूठा बताकर उसको लगातार बचाता रहा है। केस नंबर 16/2020 की बात ही देख लीजिए, इसमें विश्व विजय सिंह ने मोहम्मद जुम्मन से 20 से 25 लाख रुपए लिए व उसने एनसीबी ऑफिस में मुंबई में लिखित कंप्लेंट की है, परंतु समीर वानखेड़े ने आरोप गलत बता के कंप्लेंट को ही क्लोज कर दिया। अब एक केस देखिए, 3/2021 केस नंबर में समीर खान को झूठे केस में गिरफ्तार करके 200 ग्राम तंबाकू को
दिखा के गलत तरीके से उसे दिखाया गया और वित्तीय लेनदेन का आरोप लगाकर एनडीपीएस की धारा 27A का दुरुपयोग किया। तो ये सारी बातें और इसके अलावा और भी कई सारे केस और ये इस तरह से इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। लेकिन अभी एक बार फिर मैं आपको बता दूं, इस गुमनाम चिट्ठी की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन आपको मैंने ये भी बता दिया, ये दिखाने का मकसद इसलिए है कि खुद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक इस चिट्ठी को लेकर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं और अब ये चिट्ठी पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। ये चिट्ठी किसने लिखी है नहीं पता, लेकिन लग ऐसा ही रहा है जितने लोगों के नाम भी, एक एक लोगों के नाम लिखे गए हैं केस से जुड़े हुए लोगों के, उससे यही साबित होता है कि कुछ तो ये डिपार्टमेंट के अंदर के ही लोग हैं। जैसा कि नवाब मलिक ने कहा कि पूरा डिपार्टमेंट या पूरी एजेंसी कोई गलत नहीं होती है, लेकिन कुछ गंदी मछलियां हैं जो उसको खराब कर देती हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से बताने की कोशिश है, इसका मतलब कतई ये नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए एनसीबी ने ही समीर वानखेड़े के खिलाफ भी इंटरनल इंक्वायरी करने की शुरुआत कर दी है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरी एजेंसी में फ्लॉ है, लेकिन अगर ऐसे आरोप एजेंसी के जुड़े हुए कुछ ऐसे अधिकारियों से जुड़े आ रहे हैं जो पिछले कुछ समय में कुछ ज्यादा खबरों में है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पकड़ रहे हैं, उनके ऊपर केसेस दर्ज कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर अगर उगाही जैसे आरोप सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला है जिस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये सच निकल कर आता है। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और WhatsApp ग्रुप्स में भी इसे भेजिएगा, ताकि इस गुमनाम चिट्ठी में क्या लिखा है और किस तरह की बातें सामने आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बातें सब लोगों को डर लगता है, डरावना ये बहुत कुछ है। और अगर इस तरह से जो इसमें चिट्ठी में लिखा है कि कई लोगों के पास जाके सिर्फ प्लांट कर दिए जाते हैं अपनी तरफ से, ये बेहद डराने वाला है। यानी किसी से भी खुंदक हुई, आपको पता है फिर आगे क्या होगा। सत्यमेव जयते।